नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसी कंपनी जिसको आज एक 350 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कंपनी का टोटल मार्केट कैप अराउंड 1350 करोड़ के समथिंग का है और स्टॉक का प्राइस 17.5% भागता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक के बारे में पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, स्टॉक का नाम शेयर करता हूँ। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए तो नाम है शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स लिमिटेड के स्टॉक की बात की जाए, करंटली 843 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 125 रुपए की तेजी है, 17.5% भागा ये शेयर आज के सेशन में। इस स्टॉक का टोटल मार्केट कैप 1320 करोड़ का है और कंपनी के लिए खबर यह है कि कंपनी विंस ऑर्डर वॉर्थ ₹358 करोड़, 358 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, जीता है कंपनी ने, और इसके दम पे 17.5-18% की तेजी। मुझे लगता है कुछ ज्यादा बड़ा रिएक्शन आ गया, ओवर रिएक्शन आ गया। पहले मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कंपनी के टोटल एवरेज वॉल्यूम जो है ना डेली बेस पे जो ट्रेड होते हैं वो 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं पूरे 30 दिन का एवरेज देखूंगा तो 3 लाख वॉल्यूम्स का है, तो 30 दिन का तो सही है, बट अगर कल की बात की जाए तो केवल 85,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 5 दिन के एवरेज की बात की जाए 77,000 शेयर्स ट्रेड करे हैं और आज अभी तक पता है कितने ट्रेड कर गए, 12 बजे का समय हो रहा है और स्टॉक में 23.73 लाख शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं। 23.5 लाख से भी ज्यादा शेयर्स ट्रेड कर गए हैं शुरुआती 3 घंटे में और स्टॉक का प्राइस अभी 18.5% ऊपर हो गया है। ऐसे में बहुत सारे निवेशक इस स्टॉक को टूट के खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आज पूरा स्टॉक अपने एक ऑर्डर पे भाग रहा है और ऑर्डर डेफिनेटली बढ़ा है, बट इतना नहीं कि जितना बड़ा रिएक्शन आ गया। 6 महीने में स्टॉक ने आपको 100% से ज्यादा के रिटर्न दे दिए, तो काफी भागा हुआ शेयर है। मैं भी इन भाव पे फ्रेश एंट्री की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूंगा आप पे है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करें। स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहता है लंबे समय की बात करें तो। स्टॉक 2016 में 126 रुपए का था, 2018 में स्टॉक ने हाई लगाया 550 का, फिर गिरते गिरते कोविड के समय 115 दोबारा आ गया, फिर लगभग कोविड के बाद 2021 की रैली में स्टॉक ने 850 का हाई लगाया, फिर गिर के स्टॉक 400 रुपए पे आया और अभी दोबारा 850 हो गया है। तो वॉलेटाइल काफी रहता है इन लेवलों पे। मुझे लगता है जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करें, वो बेटर ऑप्शन रहेगा फ्रेश एंट्री से ज्यादा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शक्ति पंप्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। लगभग अभी इस तेजी के बाद स्टॉक का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1550 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जो खबरों में है। जील यानी जी एंटरटेनमेंट के लिए जस्ट अभी अभी खबर आई है, सेट रिफ्यूजेस इंटरम रिलीफ टू गोइंका अगेंस्ट सेबी ऑर्डर। सेट सेज पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन सोनी जी मर्जर। सेट ऑल्सो सेज सेबी कांट कीप गोइंग ऑन विद इट्स इन्वेस्टिगेशन। तो ये बड़ी खबर है। साथ ही साथ सनफार्मा को लेकर एक खबर आ रही है कि जहां पे प्रमोटर्स ने प्लेज यानी शेयर्स को गिरवी रखा है, 2 मिलियन शेयर यानी 20 लाख शेयर्स गिरवी रखे गए हैं 28 अगस्त को। तो ये कंपनी की तरफ से एक फ्रेश अपडेट आई है, कंपनी प्रमोटर created a pledge of 2 million shares on August 28. साथ ही साथ IGL and MGL की बात की जाए तो स्टॉक के लिए आज खबर है, ऑयल मिनिस्टर says government will bear subsidies not the gas companies। तो बड़ी बात है, आपको पता है 200 रुपए सस्ता हो रहा है सिलेंडर कहीं ना कहीं आई थिंक, तो वो सरकार बियर करेगी, इन कंपनियों को कोई झटका नहीं लगने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। बात की जाए और स्टॉक की तो स्पंदना स्फूर्ति की बात करता हूँ, 2.5% नीचे। कंपनी ऑल्सो अप्रूव, पहले मैं आपको पहली पूरी डिटेल बताऊँ, कंपनी अप्रूव्ड इशू ऑफ एनसीडीज वर्थ अप टू 300 मिलियन रुपीस ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। कंपनी ऑल्सो अप्रूव्ड इशूएंस ऑफ एनसीडी अप टू 2 बिलियन। तो लगभग कंपनी ने एनसीडी 300 मिलियन की निकाली है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे और लगभग 2 बिलियन की और एनसीडी निकाली है। तो ये दो तरीके से एनसीडी आ रही है कंपनी की। साथ ही साथ स्टॉक में 2-3% की इक्विटी का सौदा भी हुआ है, तो बड़े सौदे भी होते हुए देखे आप सभी ने, ये भी एक खबर है। एनबीसीसी 1.5% ऊपर है और कंपनी के लिए खबर आई है, कंपनी टू क्लोज बैगिंग 8,000 करोड़ ऑर्डर इन सितंबर। तो ये एक खबर इसके लिए भी आते हुए दिखे। बाकी एक न्यूज तो मैंने आप सभी के साथ सुबह ही शेयर कर दी थी, ट्राइजेन टेक्नोलॉजीज को लेकर स्टॉक 8% ऊपर है। कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वर्थ है 650 मिलियन रुपीज, 5 साल के लिए मिला है यानी कि 65 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। ये आपके लिए 4-5 स्टॉक जो भी फोकस में आते हुए दिखे हैं, स्पेशली शक्ति पंप जो कि बहुत तेजी में, बट मैं यहाँ पे कहूंगा प्रॉफिट बुक करने का मौका होगा। बाकी आज देखें तो यूफ्लेक्स पॉलीप्लेक्स जैसे शेयर भागते हुए दिख रहे हैं काफी शानदार तेजी में। निफ्टी की बात की जाए तो बहुत अच्छा ट्रेड कर रही है, डेज हाई पे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी फ्लैट 100 पॉइंट्स ऊपर है, सेंसेक्स डेज हाई पे है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तूफानी रफ्तार से तेजी कंटिन्यू जारी है।
तो ये अभी के लिए कुछ स्टॉक जो कि खबरों में, होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।